हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांश लेजालिया एंड आई एम पुष्पांश लेजालिया। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अभी स्कूल भी खुल गया होगा। ये आपको गाइड करने के लिए मैं पूनम स्टे आउट लेसन नंबर 1 लेकर आई हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाए। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। तो पहले आप ये बताइए कि 2 साल बाद स्कूल जाके कैसा लगा, कमेंट में जरूर लिखिए। अब हम लोग कुछ अपने एनवायरनमेंट के बारे में देखेंगे। आपके घर के आसपास किस तरह के पेड़ पौधे या कोई नदी, किस तरह का नेचुरल एनवायरनमेंट है? पेड़ों में कौन कौन से चिड़िया देखे हैं आपने या कोई एनिमल देखी है आपने? तो इन सबको आप लोग को देखना है। तो चलिए, इसी तरह का कुछ हमें इस लेसन में मिलेगा, तो पढ़ लेते हैं। माँ प्लीज लेट मी गो टू स्कूल टुडे। माँ मुझे प्लीज आज स्कूल जाने दो। आई हैव बीन एट होम फॉर द पास्ट 2 डेज। मैं 2 दिन से घर में हूँ। आई एम गेटिंग बोर्ड, सेड पूनम। मैं बहुत बोर हो रही हूँ घर में। बट यू स्टिल हैव फीवर, लेकिन तुम्हें अभी भी बुखार है। गो आउटसाइड एंड लाई डाउन ऑन द कॉट, रिप्लाइड माँ। तुम्हें बुखार है, तुम स्कूल नहीं जा सकते, तो जाओ बाहर ही जो बिस्तर है वहीं पे थोड़ा जाकर लेटो। पूनम फेल असलीप ऑन द कॉट। बाहर गई और उसी बिस्तर में, उसी चारपाई में उसको नींद आ गया। सडनली समथिंग फेल ऑन हर फेस। सडनली कुछ उसके मुंह पर गिरा। पूनम वोक अप एट वंस एंड टच्ड हर चीक। वो जग गई और अपना चीक्स यानी कि गाल को छू के देखा। ओह नो, हूज मिस्चीफ इज दिस। मिस्चीफ यानी कि किसकी करतूत है ये? Is it the crows or the pigeons? क्या ये crow की करतूत है या फिर pigeon की? Crow यानी कि कौवा, pigeon यानी कि कबूतर। It seems it's the crows। लगता है ये crow का ही काम है। तो इस picture में आपको क्या दिख रहा है? Picture खूब अच्छे से देखिए। इस तरह का पेड़ आपको घर में, घर के आसपास भी दिखाई देता होगा, जिसमें कबूतर, कौवा, गिलहरी, बंदर, butterflies, तितलियां, स्पैरो, गौरैया आदि, ये तोता आदि आपको पेड़ों में दिखते होंगे। पूनम लुक्ड अप। पूनम ने ऊपर देखा। शी सॉ मैनी एनिमल्स ऑन द ट्री। उसने कई सारे एनिमल्स देखे। विच एनिमल्स कैन यू स्पॉट ऑन द ट्री इन द पिक्चर, राइट डाउन देयर नेम्स। तो आपको इस पिक्चर में कौन कौन से एनिमल दिख रहे हैं? अभी मैंने बताया है विद स्पेलिंग आई एम गिविंग यू, PIGEON, पिजन। पिजन यानी कि कबूतर, स्क्विरल, गिलहरी, क्रो, कौवा, मॉन्की, बंदर, बटरफ्लाइज, तितलियां, एंट्स, चींटी, पैरट्स, तोते, कुकू, वो भी एक चिड़िया है, कोयल। पूनम पिक्ड अप अ लीफ फ्रॉम द ग्राउंड एंड वाइप्ड हर चीक विद इट। एक पत्ता उठाकर पूनम ने अपने गाल में पड़े हुए गंदगी को साफ किया। बट द चीक वह स्टिल स्टिकी, लेकिन उसे बिल्कुल स्टिकी स्टिकी लग रहा था, गम जैसा। शी थॉट लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन द नियर बाय पोंड। तो उसने सोचा कि मैं पास में ही जो पोखड़ है वहां जाके अपना मुंह धो लेती हूँ। ये देखिए, ये है नियर बाय पोंड। इसमें बर्ड्स दिख रहे हैं, बड़े टांगों वाले, ये क्रेन, देन किंगफिशर, देन टॉर्टॉइस, देन बफेलोज, फ्रॉग्स और ये बकरी, गोट। विच एनिमल्स डिड पूनम सी एट द पोंड? लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स। पिक्चर में देख के पोंड में जो है एनिमल्स उसका नाम लिखिए। गोट तो पोंड में नहीं है, पोंड के साइड में है, लेकिन विच एनिमल्स डिड पूनम सी एट द पोंड? पोंड में जाने के बाद उसे कौन कौन दिखे वो सारे लिखने हैं। गोट, टॉर्टॉइस, क्रेन, फ्रॉग, बफेलो, स्टॉर्क। कैन यू एक्ट लाइक द एनिमल सीन एट द पोंड? क्या आप गोट के जैसे या फिर टॉर्टॉइस के जैसा कुछ भी एक्ट करके दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि उसमें उनकी एक्टिंग में, उनकी चलने का या उनकी आवाज निकाल कर कुछ भी? विच एनिमल मेक्स व्हाट काइंड ऑफ साउंड्स एंड मूवमेंट्स? ट्राई टू मेक सिमिलर साउंड्स, जैसे कि मेंढक की साउंड को आप सुनिए और फिर बोलने की कोशिश कीजिए, मेंढक की जैसे फुदकने की कोशिश कीजिए। डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हर एनिमल जो है अलग अलग तरीके से अपना मूवमेंट करता है, चलता है।
सम एनिमल्स वॉक, सम क्रॉल, सम फ्लाई एंड सम स्विम. फॉर दिस सम एनिमल्स यूज देयर फीट, सम यूज देयर विंग्स, सम एनिमल्स इवन टेक द हेल्प ऑफ देयर टेल. कोई तो टेल की हेल्प से भी चलता है. यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स टू, राइट? विच ऑफ देम? आपने भी कई सारे एनिमल्स देखे हैं. आपने कौन कौन से देखे हैं? जैसे कि डॉग. नो, विच एनिमल कैन फ्लाई? आपने कौन ऐसे कौन से एनिमल देखे हैं जो कि फ्लाई कर सकते हैं? पीजन, क्रो, पैरट. कैन, क्या मैं स्पेलिंग भी दूं? ठीक है, मैं स्पेलिंग देती हूँ. pigeon, pigeon, crow, crow, parrot. parrot. Which animal can crawl? रेंगते हुए चलने वाला एनिमल, लाइक स्नेक, स्क्विरल, टॉर्टोइस. कैन वॉक? वॉक कौन कौन कर सकता है? मॉन्की, काउ, गोट. वो चलते हुए जाते हैं. कैन हॉप, जंप करते हुए. फ्रॉग यानी कि मेंढक, रैबिट यानी कि खरगोश, गिलहरी, स्क्विरल भी हॉप करते हुए चलती है, जंप करते हुए. Have wings. Wings वाले animals कौन कौन से हैं? हर birds का wing होता है. एक mammal है जिसका भी wings होता है. Mammal जो कि bird जो है वो अंडे से अपने बच्चे निकालती है और mammal जो है direct बच्चे को जन्म देती है. तो bat जो है उसके पंख तो है लेकिन वो एक mammal है. तो have wings में bat यानी कि चमगादड़ हो सकते हैं, उसके भी पंख हैं. ऑस्ट्रिच के भी पंख है, उड़ नहीं सकने से. कैन फ्लाई तो नहीं पूछा है, विंग्स है कि नहीं ये पूछ रहे हैं. डक बोल सकते हैं, कॉक बोल सकते हैं, हैं. नाउ हैव फीट. फीट किस किस के होते हैं? जिस तरह से हमारे पांव होते हैं. मंकी, बियर, उनका पंजा होता है, फीट है ना, जो कि पूरा आदमी के पांव जैसा ही इस तरह का फीट ही दिखता है उंगलियों के साथ. Have a tail. Tail तो बहुत animals को देखे होंगे, आप बताइए मुझे. मैं नहीं बताऊंगी आपको. Tail यानी कि पूंछ. Animals live in different places. Some animals live in their trees. Some in water. Some live on land. Some live under the ground. And some fly in the sky. अब कुछ हर animal का रहने का जगह अलग अलग है. कुछ trees में रहते हैं, जैसे squirrel trees में रहते हैं. Birds, कई सारे birds trees में रहते हैं. मंकी ट्रीज में रहते हैं. सम इन वॉटर, फिश, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइस, वो वॉटर में रहते हैं. सम लिव ऑन लैंड. लैंड एनिमल तो हमने बहुत देखे हैं. लायन, टाइगर जो वाइल्ड एनिमल है ना, वो भी लैंड में ही रहते हैं. सम लिव अंडर द ग्राउंड. अंडरग्राउंड में अब कौन रहता है? अंडरग्राउंड में मंगूज रहते हैं और एंट्स रहते हैं. एंड सम फ्लाई इन द स्काई. कुछ तो फ्लाई करते हुए हमें दिखते. कौन? ईगल, वल्चर. सम एनिमल्स इवन लिव इन आवर हाउसेस. कुछ एनिमल हमारे घर में भी रहते हैं. काउ, गोट, कैट, डॉग और भी रैबिट और क्या क्या रहते हैं. Look at the pictures given below. Color the animals that do not live in your house. हमारे घर में जो नहीं रहते हैं उनको कलर कीजिए. जो रहते हैं उनको कलर नहीं करना है. हॉर्स हमारे घर में नहीं रहते हैं लेकिन कहीं कहीं हॉर्स का फार्म रहता है. मगर अगर हमारे घर में वैसे तो एक हॉर्स को नहीं पालते तो इसमें कलर कर दीजिए. डॉग रहते हैं, हैन रहती है, ये कैट है, कैट भी रहता है. ईगल नहीं रहता है, ईगल को कलर कीजिए. कॉकरोच, कॉकरोच हर सबके घर में रहता है. लीजर्ड, लीजर्ड सबके घर में रहता है. स्क्विरल घर में नहीं रहता है, पेड़ में रहते हैं.
ये है चमेलियन, ये घर में नहीं रहता है। ये टिड्डा, ये ग्रास हॉपर घर में नहीं रहते हैं। एलिफेंट नहीं रहते हैं। फिश घर में नहीं रहते हैं। डक घर में रहते हैं। Here are some incomplete pictures of animals. Complete them and write their names below. ये एक डॉग का पिक्चर है, इसे आप कंप्लीट कीजिए और उनका नाम भी आपको लिखना है। ये एक फिश का पिक्चर है, ये एक कॉकरोच का पिक्चर, इसे कंप्लीट कीजिए और नाम लिखिए। Who am I? Find my name in the crossword and put a circle around it. One example is given. Banana is what I love eating. I spend my time jumping and leaping. Banana खाना मुझे पसंद है। मैं jump करते हुए इधर से उधर घूमते हुए अपना time waste use करती हूँ। तो ये हो गया monkey. On the walls, webs I weave. Where insects take and cannot leave. मैं wall में जाल बनाता हूँ और वहां आके कोई भी कीड़ा अगर फंस जाए तो नहीं निकल सकती। वो क्या है? स्पाइडर। ये रहा स्पाइडर। आपको इस बॉक्स में स्पाइडर की स्पेलिंग फिर ढूंढ के निकालना है। आई रिमेन अवेक द होल नाइट एंड गो टू स्लीप इन ब्रॉड डे लाइट। पूरा रात जागता हूँ और दिन में मैं सो जाता हूँ। मैं कौन हूँ? आउल। आउल रात को जाके दिन में सो जाता है। क्रॉक 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 इज माई साउंड इन वाटर और ऑन लैंड आई एम फाउंड। मेंढक क्या बोलते हैं? फ्रॉग, FROG, फ्रॉग। आई अपीयर आफ्टर रेनफॉल, हैव नो फीट सो आई क्रॉल। बारिश होने के बाद मैं दिखता हूँ, मेरा कोई पैर नहीं है तो मैं रेंगते हुए चलता हूँ। वो क्या होता है? स्नेल, संख। स्लो एंड स्टेडी इज माई पेस, आई ऑलवेज विन व्हेन देयर इज अ रेस, दैट इज व्हाट? टॉर्टॉइस। सो सर्च द नेम। इसमें देखिए आपको फिंगर के साथ, फिंगर में कलर लगा के फिर थंब इम्प्रेशन डाल डाल के इसमें से अलग अलग फिंगर्स का अलग अलग इम्प्रेशन के साथ ये पिक्चर्स बनाए। आप भी बनाइए घर में, बहुत मजा आएगा। मैजिक विथ फिंगर्स, टेक अ लुक एट द पिक्चर, कैन यू डिस्टिंग्विश द थंब प्रिंट्स फ्रॉम अदर फिंगर प्रिंट्स? जैसे कि दिस इज थंब प्रिंट, दिस इज थंब प्रिंट, दिस इज मेड ऑफ थंब प्रिंट, दिस इज ऑल्सो मेड ऑफ थंब प्रिंट, और ये सारे दूसरे अलग अलग प्रिंट हैं। दिस इज ऑल्सो मेड ऑफ थंब प्रिंट। इन द सेम वे यूजिंग इंक और वाटर कलर्स मेक पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स। मेक पिक्चर्स यूजिंग योर ओन इमेजिनेशन, डू नॉट कॉपी द वंस शोन अबव। यू कैन यूज द पिक्चर्स यू हैव मेड टू डेकोरेट योर स्कूल एंड होम। आपको चीटिंग नहीं करना है लेकिन अपने फिंगर्स को यूज करके दूसरे एनिमल्स के पिक्चर्स बनाने हैं। Let us have some fun. Now fun time. In your notebook, draw a picture of an animal that you have seen. कोई भी एनिमल जिसे आपने अच्छे से देखी हो उसका एक पिक्चर बनाइए। Make groups of three children each. तीन तीन बच्चों की ग्रुप बनाना है। Each group will take a white paper. एक white paper लेना है। In each group, one child will draw the face and neck of an animal at the top of the paper and hide it by folding this part. तीन पार्ट में इसको फोल्ड करके एक पार्ट में किसी एक जन को सर बना देना है, किसी एक को किसी भी एनिमल का। इसको नहीं देखना है कि किस एनिमल का सर बनाया है, दूसरे उसे किसी एनिमल का पेट बनाना है और तीसरे को पाव का बनाना है। तब आप जब खोलेंगे, अगर किसी ने सर एलिफेंट की बनाई है, पेट जो है वो अगर बिल्ली की बनाई है, कैट की, और पैर जो है वो अगर किसकी बनाई होगी? डक की बनाई होगी। तो कितना फनी हो जाएगा देखने में पिक्चर। द सेकेंड चाइल्ड विल ड्रॉ द बॉडी ऑफ द अनदर एनिमल इन द सेंटर ऑफ द पेपर एंड हाइड इट बाय फोल्डिंग द पेपर। द थर्ड चाइल्ड विल ड्रॉ द फीट ऑफ येट अनदर एनिमल, जो कि मैंने बता दिया है। नाउ अनफोल्ड द पेपर, जब खोलते हैं लुक एट द पिक्चर, आप हंसी नहीं रोक पाओगे। Does it not look like a funny animal? Also look at the picture made by your friends. देखिए ये हाथी, ये स्वान, ये काओ, सबका पैर, सबका मिक्स हो गया है।
स्पेंड सम टाइम अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे थोड़ा टाइम व्यतीत कीजिए. ऑब्जर्व द एनिमल्स केयरफुली, नेम द एनिमल्स व्हिच कैन बी सीन. जब आप पेड़ के नीचे खड़े होते हैं तो आपको कौन कौन से एनिमल्स दिखते हैं ऑन द ब्रांचेस? ऑन द ब्रांचेस वी कैन सी, वी सी, आप पहले तो आप देखिए, देखने से ही आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या दिखा है. वैसे भी हमें ब्रांचेस में कौन कौन से एनिमल दिखेंगे? वी कैन सी बर्ड्स, पिजन, क्रो, पैरट, एंड देन वी कैन सी मंकी. ऑन द लीव्स, पत्तों में हमें बीटल्स दिखेंगे, कैटरपिलर, ग्रास ऊपर जो इंसेक्ट होते हैं. ऑन द ट्रंक, ट्रंक में हमें, ट्रंक यानी कि जो मोटा पार्ट हो गया इस पार्ट में, स्क्विरल, एंट, टर्माइट, कोई भी कीट पतंग. ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में स्नेक, रैबिट, स्नेक का होल, रैट का होल, रैबिट का होल. अराउंड द ग्राउंड, काउ, डॉग, कैट, और आसपास पत्ते खाते हुए काउ, डॉग, कैट दिखेंगे. नाउ अरेंज दीज एनिमल्स इन द ऑर्डर ऑफ द साइज, स्मॉलेस्ट बीइंग द फर्स्ट. अब जितने भी एनिमल आपको यहाँ दिखे थे उनको स्मॉलेस्ट को पहले डाल के आपको लिखना है. एक टर्माइट, टर्माइट आपको शायद आंखों से बहुत ही मुश्किल से दिखे, पेड़ में होते हैं. एंट, फिर उससे थोड़ा बड़ा एंट जो कि हमें दिख जाते हैं आंखों से. बीटल, कैटरपिलर, ग्रास ऊपर, रैट, पैरट, क्रो, स्क्विरल, स्नेक, रैपिड, कैट, डॉग, मंकी, क्रो. इस तरह से छोटे से बड़े एनिमल तक को आपको लिखने हैं. देयर इज अ पजल जो कि आपको वैसे भी बहुत पसंद होता है, इन अ जिग्सो पजल. अ पिक्चर इज कट इन सच अ वे दैट वन हैज टू रियली थिंक हार्ड टू फिट द पिक्चर टुगेदर. अगर आपके पास जिग्सो पजल नहीं है तो यू कैन टेक वन न्यूज़पेपर के पिक्चर ले सकते हैं. अदरवाइज यू कैन टेक कैलेंडर, कैलेंडर का, कैलेंडर को लीजिए, उसको भी जिग्सो पजल बना सकते हैं. नाउ मेक अ जिग्सो पजल यूजिंग अ पिक्चर ऑफ एनी एनिमल. प्लेस द पिक्चर ऑन अ कार्डबोर्ड. नाउ कट द कार्डबोर्ड अलोंग द एजेस ऑफ द पिक्चर. ये नहीं खरीदने से भी आप बना सकते हैं. किसी भी एनिमल को बनाइए, हाथी को बना लिया आपने, उसको काटिए, फिर काट के एक कार्डबोर्ड में लगा दीजिए. नहीं, पहले कार्डबोर्ड में लगा के फिर उसको शेप्स को, कुछ शेप्स बना के इस तरह के काट के फिर उसे रीअरेंज करने की कोशिश कीजिए. कट दिस कार्डबोर्ड इनटू अनइक्वल पीसेस. गिव दिस पिक्चर्स टू योर फ्रेंड्स. आस्क देम टू पुट द पीसेस टुगेदर एंड आइडेंटिफाई द एनिमल. सो ये लेसन बहुत ही फनी है, बहुत ही जानकारी देने लायक है जो कि आपको अपने एनवायरमेंट से मिल सकती है. आपको बाहर पेड़ पौधों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा तो आपको इस लेसन के बारे में अच्छे से पता चलेगा. आप जब भी मेरा चैनल में आते हैं तो पहले पेन पेंसिल लेकर ही बैठा कीजिए ताकि आपको हार्ड वर्ड जितने भी लगे और मैं जो स्पेलिंग बोलती जाऊं वो आप लिख सके. तो थैंक यू, और आपको मेरा चैनल कैसा लग रहा है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए.